बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हम पढ़ेंगे गुलजार नसीम से, जो इकतबास आपके सिलेबस में शामिल हैं, दया शंकर नसीम का लिखा हुआ दास्तान ताजुल मलूक शहजादे और ज़ैनुल मलूक बादशाह मशरक़ की। ताजुल मलूक दर हकीकत एक बादशाह होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसका पस मंज़र बताए देती हूँ। पूरब कहते हैं मशरक़ को। ज़ैनुल मलूक जो है वो बादशाह है, और उस बादशाह को अल्लाह ताला ने चार बेटे दिए, जो माशाल्लाह चारों बहुत ज़हीन बहादुर और नेक हैं। नजूमियों ने बादशाह को खुशखबरी दी कि उनके यहाँ पांचवा बेटा भी पैदा होगा, और जब वो बेटा पैदा होगा तो बादशाह उसे अगर देखेगा तो उसकी बिनाई जाती रहेगी। अब बादशाह क्या करता है, आगे थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहिए, वो उसको देख पाता है या नहीं देख पाता, पढ़ते हैं हम। पूरब में एक था शहंशाह सुल्तान ज़ैनुल मलूक जीजा। पूरब का मैंने बताया कि पश्चिम में जीजा होता है साहब इक्तदार, यानी कि हमदो नात के बाद, जिनका हमने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया कि दया शंकर नसीम बेशक मुसलमान ना थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जिस माहौल में आँख खोली वो इस्लामी माहौल था, दरबारों से वाबस्तगी की बिना पर, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी मसनी का आगाज़ भी हमदोनात से किया। उसके बाद अब वो असल किस्सा बयान कर रहे हैं, और उस असल किस्से में वो बताते हैं कि मशरक में एक शहंशाह था जिसका नाम ज़ैनुल मलूक था। ज़ैनुल मलूक किस तरह का बादशाह था, लश्कर कश था, यानी बहुत बहादुर था, ताजदार था, और यानी दुश्मन कुश था, दुश्मनों को मारने वाला था, और शहर यार था, यानी मुतलकुल अनान बादशाह था। शहर यार मुतलकुल अनान बादशाह वो बादशाह होता है जो किसी को जवाबदेह नहीं होता, आमर किस्म का हुक्म देने वाला, बड़े रोबदाब दबदबे वाला और साहब वक़ार बादशाह था ज़ैनुल मलूक जी। खालिक ने दिए थे चार फर्जंद, दाना आकिल ज़की कहते हैं ज़हीन को, खिरदमंद साहब अक्ल। तो वो कहते हैं कि वो बादशाह ऐसा था कि आसपास के इलाकों पर हमलावर होता, दुश्मनों को ख़त्म कर देता, उन अपनी सतूत और शान शौकत को कायम रखता था। खुदा ने उसको चार बेटे दिए जो क्या थे, दाना थे, अक्लमंदी थी उनके अंदर, ज़कावत और ज़हानत और खिरदमंदी में वो मशहूर थे। फिर क्या हुआ, नक्शा एक और ने जमाया, पसमानदा का पेश खैमा आया। पसमानदा होता है पीछे रह जाने वाले, और पेश खैमा किसी काम के होने की निशानी, यानी आगे किसी काम ने होना है, पेश गोई करनी। तो वो कहते हैं कि कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला ने उन्हें पांचवें बेटे से जब नवाजा और उसकी निशानियां ज़ाहिर हुईं और आखिरकार उसने जन्म लिया, तो क्या हुआ, वो नूर के सदके महरे अनवर, यानी वो इस कदर हसीन था, इस कदर खूबसूरत था, महरे अनवर, महर कहते हैं सूरज को, यानी सूरज की तरह अनवर रोशन, वो रूह के न ठहरे आँख जिस पर, यानी वो अपने हुस्न में इस कदर खूबसूरत था कि इस कदर हसीन वजी और शक्ल का मालिक था कि उसका चेहरा रोशन और मुनव्वर था, और सूरज की रोशनी भी उसके सदके जाती और उस पर कुर्बान होती। नूर आँख का कहते हैं पिसर को, यानी बेटे को आँख का नूर कहते हैं। चश्मक, चश्मक होता है तकलीफ़ होना, चश्मक तकलीफ़, तकलीफ़ थी नसीब इस पिदर को, बाप की मुकद्दर में नसीब थी कि एक बेटा जो इतना खूबसूरत हो। वैसे ही अगर किसी के हाँ कोई बेटा पैदा होता है तो वालिदैन को उसको देखने की बड़ी ख्वाहिश होती है, बड़ी जल्दी होती है, और अगर बादशाह के हाँ बेटा पैदा हो और वो हो भी बहुत खूबसूरत के, जिसके हुस्न के चर्चे दूरों नज़दीक में हों, और बाप को जो है शोमी किस्मत कि उसको देखना नसीब ना हो, कि उसके देखने से उसकी नज़र जाती रहेगी, क्योंकि नजूमियों ने ये पेश गोई की थी, तो इस पेश गोई के सबब बादशाह थोड़ा हिज्म व हिजाब से काम लेता है, एहतियात से काम लेता है, और अपने बेटे को नहीं देखता, उससे दूर रहता है। हालांकि बेटे को तो बाप की आंखों का नूर कहा जाता है।
मगर अगर बाप उसको देखता है तो क्या होता है, उस पर मुसीबत और मुश्किल आ सकती है। इस वजह से एहतियात से काम लिया गया। खुश होते ही तिफले मैं जबी से, तिफल कहते हैं बच्चे को, मैं जबी चांद चेहरे वाला मतलब खूबसूरत बच्चा। खुश होते ही तिफले मैं जबी से साबित ये हुआ सितारा भी से। सितारा भी नजूमी किस्मत का हाल बताने वाले, उन सब ने ये साबित किया था। वही बात के दया शंकर नसीम इसमें कहते हैं कि बेटा तो आंखों का नूर होता है, लेकिन चूंकि नजूमियों ने सितारों का हाल देख के ये बात बता दी थी कि ये जो खुशी है महल के अंदर बच्चे की पैदाइश की, और जिस खुशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और शादियाने बजाए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये खुशी मुसर्रत आर्जी साबित होगी। क्योंकि उन्होंने बताया था बच्चा अगर वालदेन के लिए बहुत ही प्यारा और लाडला था, मगर इस वजह से कि उसके बाप की बिनाई ख़त्म होने वाली थी, वो जब उसको देखेगा तो उसकी बिनाई जाती रहेगी। पर्दे से न दाया ने निकाला, पुतली सा निगाह रख के पाला। पुतली सा निगाह यानी आँखों से ओझल रख के था अफसरे खुसरवां। अफसर कहते हैं ताज को, खुसरवां बादशाहों का ताज था। वो गुलफाम, गुलफाम फूल की रंगत वाला, गुलाब की रंगत वाला। पाला ताजुल मुलूक रख नाम, यानी जो बेटा है उसका नाम ताजुल मुलूक है और जो बादशाह है वो ज़ैनुल मुलूक है। बेटे का नाम ताजुल मुलूक रख दिया गया। जब नामे खुदा जवां हुआ वो मानिदे नज़र रवां हुआ। वो आता था शिकार गाह से शाह, नज़ारा किया पिधर ने नगाह। नगाह होता है गैर इरादी तौर पर ना चाहते हुए। बात वही है कि बादशाह ज़ैनुल मुलूक को जब पांचवें बेटे की नजूमियों ने पेश हुई की तो साथ इस खुशखबरी के उन्होंने ये भी तनबीह कर डाली कि दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर जब भी बादशाह अपने बेटे को देख लेगा तो वो अपनी आँखों की रोशनी खो देगा और अंधा हो जाएगा। चुनाचे एहतमाम ये किया गया कि इस बच्चे को बाप की आँखों से ओझल रखकर उसकी परवरिश की गई और हर तरह की एहतियात को लाजमी रवा रखा गया। बादशाह की नज़र भूले से भी उस पर नहीं पड़ी। चुनाचे इस बच्चे की निगहबान और मुहाफ़िज़ दाइया ने इसी एहतियात से उसे पालना शुरू कर दिया और उसे कभी महल में बाहर ना लाया गया। ये बच्चा अपनी खूबसूरती, वजाहत और हुस्न व जमाल की वजह से भी बादशाह के सरों का ताज था, इसलिए इसका नाम ताजुल मलूक रख दिया गया। वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि ताजुल मलूक बचपने की हदूद से निकलकर जवानी की हदूद में आ गया। इंतहाई खूबसूरत, पुरकशिश और हसीन नौजवान निकला। तमाम तरह एहतियात के बावजूद होनी होकर रहती है। एक दिन जब बादशाह ज़ैनुल मुलूक शिकार वगैरह करने के बाद शिकारगाह से महल वापस आ रहा था कि अचानक ताजुल मुलूक पर उसकी नज़र पड़ी। बस फिर क्या, देखते ही देखते उसकी आंखें अंधी हो गईं। सौत सौत आंखों के देख कर पिसर पिसर, बेटे की सौत होता है यानी खूबसूरती की वजह से, आंखों की खूबसूरती बेटे की देख कर बिनाई के चेहरे पर नज़र की कि बाप की जो बिनाई है वो जाती रही। मोहरे लब खामोश हुआ, शह हुई खामोशी की नूरे बसर से चश्म पोशी। घर घर यहीं जिक्र था यहीं शोर, खारिज हुआ नूरे दीदा कोर। दीदा कोर यानी बादशाह की आंखों की बिनाई, नूर बिनाई, दीदा कोर आंखों की रोशनी। अचानक वो कहते हैं कि बादशाह जो है वो शिकार से वापस आया और शिकारगाह से आते हुए उसकी गैर इरादी तौर पर निगाह शहजादे पर पड़ी, जिसकी आंखों का हुस्न इस कदर ज़्यादा था कि उसको देखते ही बाप की आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई, उसकी बिनाई चली गई। अचानक उसको नजूमियों की पेशगोई याद आई तो वो खामोश हो गया और उसके लबों पर खामोशी की मोहर लग गई, क्योंकि उसकी आंखों की बिनाई ख़त्म हो गई थी। बोला उसने अपनी आंखों की रोशनी से आंखें बंद की, यानी आंखें अब रोशन नहीं हैं तो उसने आंखें बंद कर ली। सादशे की खबर शहर में फैली, हर घर में यही जिक्र यही तज़करा होने लगा कि बाप की आंखों की
रोशनी बेटे को देखने से जाती रही। आया कोई लेके नुस्खाए नूर, लाया कोई जाके सुरमय तूर। सुरमय तूर मिस्र का वो मशहूर पहाड़ है ना तूर, जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का जलवा देखा। और बाज़ रवायात के मुताबिक अनवार इलाही की ताब ना लाते हुए पहाड़ के टुकड़े जो हैं वो सुरमे में तब्दील हो गए थे। जी, तकदीर से चल ना सका कुछ जोर, बीना ना हुआ वो दीदा एक और। होता है वही खुदा जो चाहे, मुख्तार है जिस तरह निभाए। बादशाह ज़ैनुल मुल्क की बिनाई ज़ाहिल होते ही उसको वापस लाने की कोशिशें शुरू हो गई। उस ज़माने में मुरविज दवाओं को आज़माया गया, कोई नुस्खा नूर तलाश करके लाया, कोई कोहे नुस्खा नूर दर हकीकत वही है कि आंखों की बिनाई लौटाने वाला नुस्खा जो उस दौर में कोई मुरविज था। किसी ने कोहे तूर के सुरमे की दस्तियाबी का एहतमाम किया, मगर वही बात की तकदीर के आगे किसका जोर चलता है। तमाम तर कोशों के बावजूद बादशाह की आंखों की रोशनी वापस ना आई और उस अंधे बादशाह को दोबारा देखना नसीब ना हुआ, यानी देख सकने की वो खुशी नसीब ना हुई। असल बात यह है कि वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, और वो साहब इख्तियार है, जिस तरह चाहे किसी की ज़िंदगी गुजर सकती है। किसी इंसान को खुद अपनी ज़िंदगी या मौत पर कोई इख्तियार नहीं है। आखिर किसी सुरमा फरोश ने बताया कि बादशाह की बिनाई लौट आने का एक ही इलाज है। अब यहाँ पे तो बात नहीं हो रही, लेकिन आगे मैं आपको ये मुकम्मल किए देती हूँ और आप इसको तशरीह के अंदर भी बयान कर सकते हैं कि होता ये है कि फिर बताया जाता है कि सुरमा फरोश जो है ना, उसको किसी ने बताया कि बादशाह की बिनाई लौट, वाक़यात निगारी है। कोई भी बात जो काबिल फ़हम हो आप कमेंट्स में उसके हवाले से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। फ़नी एतबार से और फ़िक्री एतबार से ये मसनवी के दया शंकर नसीम के उसलूब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको एक वाक़े के बाद दूसरा, यानी बिल्कुल जैसे कहानी का आगाज़ हो रहा होता है और उसमें बताया जाता है कि यूँ हुआ, यानी फ़ौरन से ही बादशाह के जो बेटा होता है उसके पैदाइश के बाद जो नजूमियों ने पेश की उसकी आमद से कबल की होती है, और किस तरह, मतलब एक इख्तसार है इस मसनवी के अंदर जो हमें नज़र आता है कि वाक़यात फ़ौरन से फ़ौरन शुरू होते हैं लेकिन तसलसल और रब्त कायम रहता है। और अभी इसमें जो चीज़ें आगे आनी हैं, यानी मुबालगा वगैरह और रायत लफ्जी भी हमें इसके अंदर नज़र आती है। बादे सहरी चली जो सुन से, वो शमा सुधारी अंजमन से, खुर्शीद से पहले उड़कर आई, तारों की छाओं में घिर आई। यानी इसके अंदर लफ्ज़ों की मुरसाकारी भी हमें नज़र आती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके अंदर वाक़यात का एक तसलसल है, लफ्ज़ी सनाई है, रब्त तसलसल है, इजाज़ व इख्तसार है। सुरमा फरोश जो है ना, उसको किसी ने बताया कि बादशाह की बिनाई लौट आने का एक ही इलाज है कि उस दौर में एक बादशाह की बेटी थी शहज़ादी बकौली, उसका एक बाग था। तो उसके बाग में बताया जाता है एक ख़ास किस्म का फूल है, अगर उस फूल को वहाँ से लाया जाए और उसको बादशाह की आँखों के साथ मस किया जाए तो बादशाह की बिनाई वापस लौट सकती है। चुनाचे ये मुश्किल काम जो था ये पाँचवें शहज़ादे को सौंपा गया और वो उस फूल की तलाश में निकला। बिलाखिर ताज बाकी बेटे भी निकले, लेकिन ताजुल मुलुक जो है वो इसमें कामयाब हुआ और उसने जाकर वो शहज़ादी बकौली के बाग से वो फूल लाया और अपने बाप की आंखों को लगाया और यूँ उसके बाप को दोबारा रोशनी मिल गई। ये थी दास्तान और पैमानों पर पूरी उतरती है। इसमें हमें देखा जाए तो लफ्ज़ी सनदगरी का कमाल भी नज़र आता है। नूरे दीदा को जैसे हमने पढ़ा, चशम पोशी नूरे बसर आँख का नूर, दीदा एक और अफसरे खुशरवा गुलफाम नागा, यानी कुछ ऐसे अल्फाज हैं
जिनके ऊपर लखनवीयत की छाप है और हमें नज़र आ रहे हैं कि शायर ने किस हुनरमंदी से उनका इजहार किया और अंदाज़ बयां बिल्कुल उसका पुरतकल्लुफ है, फसाहत है, सलासत है, रवानी है, इख्तसार है। इन सारी चीज़ों का आप ज़िक्र करेंगे अगर कोई एक शेर भी आ जाता है तो तशरीह के हवाले से, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है इसका, मौजू एक ही है, लेकिन कोई एक शेर आने की सूरत में भी आप इन सब बातों का यानी दयाशंकर नसीब के उसलूब के हवाले से इन चीज़ों का आप ज़िक्र करेंगे। और अगर हो सके तो एक आध शेर भी उस हवाले से आप लगा सकते हैं, जैसे अगर इख्तसार की बात होती है तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी लिखवाया था, पूछा के सबब कहा के किस्मत, पूछा के तलब कहा कनात, आसान सा भी है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगर ज़ुबान की बात हो रही है, जैसे अभी मैंने कुछ अल्फाज आपको बताए, कोई एक शेर भी आप देख लें, मानिद नज़र, नागा, साद, सौद, यानी ये यूं जो स्वाद हम लिखते हैं उस हवाले से है कि आँखों के हुस्न को बयान करने के लिए, हर एक शेर के अंदर एक लफ्ज़ ज़रूर आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर ज़बान का बांकपन आपको नज़र आएगा, उसका हुस्न नज़र आएगा। तो उस हवाले से आप इसमें लिख सकते हैं, हर शाह में है शगुफा कारी, समरा है कलम का हमद बारी, या बादे सहरी। असल में मसनवी और दास्तान में यही फ़र्क है कि दास्तान में जो कहानी होती है उसमें माफूकुल फितरत अनासर समेत बादशाहों शहजादियों के किस्से, कहानियाँ, उनकी मुहिम जोई के बारे में बताया जाता है, और मसनवी में वही चीज़ मंजूम होती है, शेरों की सूरत में होती है, दास्तान में नसर की सूरत में होती है। दयाशंकर नसीम की ये मसनवी अपनी अहमियत में किसी कदर भी सहरुल बयां से कम नहीं है। सहरुल बयां पर अगर दहलवीयत की छाप है तो इस पर लखनवीयत की छाप हमें नज़र आती है। बज़ाहिर देखा जाए तो ये एक शहज़ादे की कहानी है, लेकिन इसको किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए शायर ने किस फ़नी महारत और चाबक दुस्ती से इसको बयान किया है, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है।